आज के इस लेक्चर में रिप्रोडक्शन ऑफ एल्गी में मैंने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को भी लिया है, क्योंकि अक्सर ये सवाल एग्जाम में पूछा जाता है कि डिस्क्राइब द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टाइप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फाउंड इन एल्गी। और एक सवाल और आता है कि व्हाट आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन फाउंड इन एल्गी। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एल्गी आज हम ले रहे हैं, और रिप्रोडक्शन जो है जीवन का एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है किसी भी लाइफ साइकिल का। जैसा कि डार्विन ने कहा था कि प्रत्येक जीव जो है अपने जैसे जीव बनाने की कोशिश में जीवन भर लगा रहता है। तो रिप्रोडक्शन का एक तो काम ये है कि इंक्रीज इन नंबर, तो इंक्रीज इन नंबर हो सकता है जिसे हम सिंपल मल्टीप्लिकेशन भी लिख सकते हैं कि एक सेल मल्टीप्लाई होकर के बहुत सारे सेल बना रहे हैं और उससे नंबर ऑफ इंडिविजुअल इंक्रीज हो रहे हैं और अपने ही जैसे हो रहे हैं। मगर जो सबसे बड़ा पॉइंट रिप्रोडक्शन में जो एक बैरियर आया वो था कि इवोल्यूशन कैसे होगा। तो इवोल्यूशन कैसे होता है, वन द पेरेंट सेल इज डिफरेंट विद द डॉटर सेल, या उल्टा कहिए कि डॉटर सेल जो किसी पेरेंट सेल से बनी है वो उससे डिफरेंट होती चली जाए तो हम कहेंगे कि वो इवॉल्व हो रही है। तो यहां क्या हो गया, कौन सा प्रोसेस हो रहा है, डिफरेंशिएशन। व्हेन देयर इज ए इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स और द मल्टीप्लीकेशन इन द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इन ए टाइम फेज एंड विच रिजल्ट्स इन द डिफरेंट इन द ओरिजिन ऑफ डिफरेंस विच बिकम सो मार्क्ड दैट द टाइम कम्स व्हेन द लास्ट जनरेशन ऑफ ए सीरीज इज वेरी मच डिफरेंट फ्रॉम दिट्स ओरिजिनल सीरीज। तो जब बहुत ज्यादा डिफरेंस हो जाने के कारण बाद में बनने वाली जो सेल है या बाद में बनने वाला जो प्राणी है वो अपने पूर्वजों से बहुत ज्यादा भिन्न हो जाता है, तो इस पूरी प्रक्रिया को हम क्या बोल देते हैं, डेवलपमेंट। डेवलपमेंट इन द टाइम फेज भी होता है और डेवलपमेंट शरीर में भी होता है। एक जाइगोट है वो सिंपली डिवाइड कर रहा है, लेकिन अगर वो अपने ही जैसा सेल बनाएगा तो वो एक बड़ा मैच्योर प्लांट या बॉडी नहीं बना सकता है। तो जो रिप्रोडक्शन का मेन मोटो जो था बाद में ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इवोल्यूशन ऑन दिस अर्थ वो ये था कि वेरिएशन कहां से आएगा। वेरिएशन मीन्स डिफरेंस कैसे जनरेट होगा। अगर हम वेजिटेटिवली ही रिप्रोड्यूस कर रहे हैं देन वी आर रिपीटिंग द सेम सेट ऑफ जीनोम। हैविंग सेम कैरेक्टर, अगर सेम सेट है तो सेम ही करेक्टर होगा, और सेम करेक्टर होगा तो सेम ही एडेप्टेशन होगा। लेकिन हम जानते हैं
कि ड्यूरिंग द टाइम कौन सी चीज बदलती रहती है, फिजिकल कंडीशंस यानी एनवायरमेंट बदलता रहता है। तो जब एनवायरमेंट बदलता रहता है तो एनवायरमेंट के जो फैक्टर्स हैं जो प्रेशर और देते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म पर वो बदल जाते हैं। तो जब वो बदलते हैं तो किसी भी ऑर्गेनिज्म को बदलते हुए एनवायरमेंट के हिसाब से अडेप्ट होना पड़ता है, और जो एडेप्टेशन है वो किस पर निर्भर करता है, जब किसी ऑर्गेनिज्म में वेरिएशंस आते हैं तो एडेप्टेशन इज डायरेक्टली लिंक्ड विद द वेरिएशंस। तो मैं इसको जस्टिफाई इसलिए कर रहा हूं, हालांकि एवोल्यूशन का पोर्शन है इसमें, एवोल्यूशन में ऑर्गेनिक एवोल्यूशन में आप इसे पढ़ते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहां क्यों लिया है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसलिए लिया है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट फेज था किसी की लाइफ साइकिल में, क्योंकि शुरू में जितने ब्लू ग्रीन एल्गी वगैरह हैं आप उनको देखिए उनमें कोई भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है, वो सिंपली अपने आप को डिवाइड एंड डिवाइड और रिप्रोड्यूस मल्टीप्लाई कर रहे हैं। आप कहेंगे कि साहब कर रहे हैं तो अभी तक अब वो हट क्यों नहीं गए, अभी भी वो पुराने जमाने से लेके यानी 300 साल करोड़ साल से पहले लेकर के अब भी कैसे हैं। तो इसलिए अब भी हैं कि वो अभी भी वैसे ही हैं क्योंकि वेरिएशन नहीं था, और उनके जिसमें वेरिएशन आया वो आज नए स्पीशीज में इवॉल्व हो गए। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ब्रिंग्स अबाउट वेरिएशन, ब्रिंग्स अबाउट वेरिएशन किसकी वजह से होता है कि सिंगैमी हो। सिंगैमी किसकी हो, दो पार्ट हो जिसे हम यहां गैमीट्स कह रहे हैं। गैमीट्स क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये कहां बनते हैं, गैमिटोफाइट के ऊपर। तो जो गैमिटोफाइट के ऊपर बनता है वो गैमीट्स कहलाता है, और ये गैमीट्स जब एक दूसरे से, ये गैमिटोफाइट हम जानते हैं दे कंटेन वन सेट ऑफ क्रोमोसोम, जब गैमीट फ्यूज कर जाते हैं तो उस घटना को हम सिंगैमी कहते हैं। और सिंगैमी क्या प्रोड्यूस करती है, एक ऐसा सेल प्रोड्यूस करती है जिसमें दो सेट ऑफ क्रोमोसोम, तो ये हैप्लॉयड हो गया और ये डिप्लॉयड हो गया, प्लॉयडी लेवल नंबर ऑफ सेट ऑफ क्रोमोसोम पर डिपेंड करती है। तो इस प्रकार सेक्स ऑर्गन को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जब दो गैमिट्स फ्यूज करते हैं तो ये अपना कैरेक्टर लाता है, ये अपना कैरेक्टर लाता है, और एक फिर से कैरेक्टर बनता है जिसे हम रिकॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स बोलते हैं। ये रिकॉम्बिनेशन मे बी बेटर सूटेड टू द चेंजिंग एनवायरमेंट और मे बी नॉट बेटर सूटेड टू द चेंजिंग एनवायरमेंट। तो जो अच्छे होते हैं वो निरंतर बदलते बदलते अडेप्ट करते करते और सर्वाइव करते रहते हैं। तो यहाँ जो पॉइंट है वो ये है कि एल्गी ही एक ऐसा ग्रुप है जिसमें सेक्स डेवलप हुआ। देखिए यहां आपको एक और चीज सुननी चाहिए, समझ में आनी चाहिए कि सेक्स क्या है, सेक्स कौन सी चीज है। सेक्स का मतलब ये नहीं है कि कोई चीज फ्यूज करेगी तभी वो सेक्स कहलाएगी। सेक्स का मतलब है मॉर्फोलॉजिकल मॉर्फोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ फ्यूजिंग सेल्स। तो फ्यूज कर रहे हैं सेल, आप जानते हैं कि जो वेरिएशन है
वो वायरस में भी होता है, किसकी कारण होता है, ट्रांसडक्शन है। बैक्टीरिया में हम ट्रांसफॉर्मेशन और कॉन्जुगेशन, ये सारे कैरेक्टर हम ये टर्म्स पढ़ चुके हैं, ये दे ब्रिंग्स अबाउट वेरिएशन। लेकिन यहां सेक्स नहीं है, सेक्स इसलिए नहीं है क्योंकि सेक्स का मतलब है मॉर्फोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन, यानी दो डिफरेंट जो फ्यूजिंग सेल है वो दो बिल्कुल इंटायरली डिफरेंट, मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट इंडिविजुअल से आ रहे हैं या ऑर्गन में डेवलप हो रहे हैं। तभी जब सेक्स आता है तब एक जगह मेल लिखा जाता है और एक जगह फीमेल लिखा जाता है। अब रही बात कि हम इसे बताएं कैसे, क्योंकि हम ये जानते हैं कि हम कॉन्जुगेशन में स्ट्रेन लिखते हैं, माइनस एंड प्लस, देयर इज नो मेल और फीमेल। ये मेल क्या है, देखिए फिजियोलॉजिकल डिफरेंस यहां एग्जिस्ट कर रहा है प्लस में और माइनस में, लेकिन मेल और फीमेल में कौन सा डिफरेंस एग्जिस्ट कर रहा है, उसी फिजियोलॉजिकल डिफरेंस को मॉर्फोलॉजिकली भी जब हम देख सकते हो, तो जब हम फिजियोलॉजिकल डिफरेंस को मॉर्फोलॉजिकली भी देख सकते हैं तब हम वहां पर इंडिविजुअल्स को दो सेक्स में बांट देते हैं और एक जो एक्टिव होता है उसे हम मेल बोल देते हैं और जो थोड़ा सा इनएक्टिव होता है उसे हम फीमेल बोलते हैं। प्राइमरली अगर दो गैमेट है, एक गैमेट ज्यादा तेजी से चल रहा है और एक गैमेट कम चल रहा है, तो फिजियोलॉजिकल डिफरेंस हुआ और तेज चलने वाला मेल और कम तेज चलने वाला फीमेल हो जाता है। फिर मॉर्फोलॉजिकल जब हम इसको डिफरेंस करते हैं तो किस पे करते हैं, साइज पर। तो अगर कोई चीज स्मॉल है वो मेल हो जाती है, अगर वो कोई लार्ज है तो फीमेल हो जाती है। ये लार्ज स्मॉल कौन सी चीज, गैमेट्स जो फ्यूज होने जा रहे हैं, पूरा बॉडी स्ट्रक्चर नहीं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे जानवर भी हैं जिसमें मेल बहुत बड़ा होता है फीमेल छोटा होता है, तो वहां बॉडी को न लेकर के जो फ्यूजिंग गैमेट्स है अगर वो स्मॉल है, अगर वो एक्टिव है तो मेल है, अगर वो इनएक्टिव है और लार्ज है दूसरे नंबर है। अगर नंबर ज्यादा है प्रोडक्शन का तो वो मेल है, अगर नंबर कम है तो वो फीमेल है। तो ये एक मैनिफेस्टेशन किसका हुआ, फिजियोलॉजिकल डिफरेंस का। तो चूंकि हमने ये सब देख रखा है, हम जानते हैं कि एक मेल भी होता है एक फीमेल भी होता है और उसके गैमेट्स भी देखने में अलग अलग होते हैं, तो जब हम इसे बैक करते हैं तो हम सेक्स को रिटेन रख लेते हैं लेकिन हम उसकी मॉर्फोलॉजी में डिफरेंस क्रिएट कर देते हैं। ये कह देते हैं कि वो देखने में दोनों गैमेट्स एक जैसे हैं या दोनों गैमेट एक जैसे नहीं है। तो आइसो बने सेम और गैमेट्स के लिए हम क्या लिख देंगे, पैदा होने वाले गैमस, और एनआइसो बने डिफरेंट और गैमेट के लिए हम प्रोड्यूस करने वाले के लिए क्या लिख देंगे, गैमस। तो आइसो गैमस एंड एनआइसो गैमस। तो ये बहुत सिंपल सा है कि जो इवोल्यूशन ऑफ सेक्स हुआ है वो इवोल्यूशन ऑफ वेरिएशन नहीं हुआ है। वेरिएशन तो आ गया एक बार, वेरिएशन का मतलब ही था कि रिकम्बाइन हो जाए किसी भी तरीके से। तो पहले वो कॉन्जुगेशन ट्रांसफॉर्मेशन वजह से हुआ, पूरा कंबाइन नहीं हुआ, उन्होंने कहा नहीं बाद में हम एक ऐसी टेक्निक अडॉप्ट करेंगे जिसमें तय हो कि ये वेरिएशन इसी तरीके से पूरा पूरा कंप्लीट हो, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन और कॉन्जुगेशन में
मीरोजाइगोट्स बन कंजुगेशन में मीरोजाइगोट्स बनते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन में पता नहीं रहता कौन सा सीक्वेंस कहाँ लगेगा, तो इसलिए कि उसमें एक कंफर्मिटी आ जाए कि एक जो क्रोमोसोम है वो पूरा का पूरा ही वैरीड होगा, उसमें से कहीं भी कोई भी सेक्शन बदल सकता है, तो इस वजह से सिंगेमी स्टार्ट हुई। तो इतना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मैंने दिया कि सेक्स के बारे में, जिसे आप फंजाई में भी पढ़ते हैं, देयर इज अ डीजनरेशन ऑफ सेक्स इन फंजाई, काइंडली डिस्कस द इशू। तो वो डीजनरेशन ऑफ सेक्स नहीं है, वो डीजनरेशन ऑफ सेक्स ऑर्गन्स है। सेक्स को जब हम ले रहे हैं इसका मतलब वेरिएशंस को ले रहे हैं, कि ये दो डिफरेंट सोर्स ऑफ गैमेट्स हैं जो आपस में मिलकर के एक नया कॉम्बिनेशन बनाएंगे। तो पहला पॉइंट क्या हुआ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, यानी फर्स्ट टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज फाउंड इन इज नोन एज आइसोगैमस। आइसोगैमस मींस इफ देयर इज ए टू फ्यूजिंग गैमेट्स बोथ आर सेम, ये सेम होंगे, गैमेट्स ज्यादातर नेकेड होते हैं, उन पर कोई वॉल नहीं होती है। ये मान के चलिए कि जितने भी गैमेट्स बनते हैं मूविंग हो भले हो पर वो वॉल लेस होंगे। तो जो आइसोगैमस है उसमें जो फ्यूजन हो रहा है उनमें आप कोई डिफरेंस नहीं बता सकते हैं, और ये इस तरीके से फ्यूज करके एक कंबाइंड स्ट्रक्चर बना लेते हैं और बाद में एक जाइगोट के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं। दूसरा क्या है कि जैसे आइसोगैमस है यानी गैमेट्स आर सेम, तो वो गैमेट्स सेम है तो दो कंडीशन होगी कि वो अगर मान लीजिए यूनिसेलुलर नहीं है मल्टीसेलुलर कंडीशन है, तो वो क्या होगा कि जो गैमेट्स फ्यूज हो रहे हैं वो एक ही प्रकार के ऑर्गेनिज्म मत कहिए, एक ही प्रकार के थैलस से बन रहा है, तो वो होमोथैलिक है। यानी यहां पर थैलस में कोई डिफरेंस नहीं है कि वो माइनस स्ट्रेन का है कि प्लस स्ट्रेन का है, क्योंकि देखिए यहां अभी सेक्स नहीं आया है। क्यों नहीं आया है? क्योंकि गैमेट्स आर सेम इन साइज एंड शेप, तो हम किसे मेल कहें किसे फीमेल कहें, तो वो तो या तो होमोथैलिक हो सकते हैं या हेट्रोथैलिक हो सकते हैं। हेट्रोथैलिक का मतलब है कि एक थैलस माइनस स्ट्रेन का होगा और एक थैलस प्लस स्ट्रेन का होगा, होमोथैलिक में माइनस और प्लस का कोई मतलब नहीं है। फिर मान लीजिए एक कोई फिलामेंटस स्ट्रक्चर है उसमें अगर एक जगह मेल हो रहा है एक जगह फीमेल गैमेट्स बन रहे हैं, तो भी ये कंडीशन आ गई उस कंडीशन में जहां पर दो है एक में मेल बन रहा है एक में फीमेल बन रहा है, तो इसे हम क्या कहेंगे, जहां पर एक ही थैलस में दोनों प्रकार के गैमेट्स बनते हो जो कि डिफरेंट हो, ये टर्म अभी समझ लेना है इसलिए कि जो कि डिफरेंट हो यानी वो एक छोटा हो एक बड़ा हो, तो उसे मोनोशियस कहेंगे और जहां पर एक थैलस माइनस स्ट्रेन का हो एक थैलस प्लस स्ट्रेन का हो, या एक को हम मेल कह सकें एक को फीमेल कह सकें, तो वो डायोशियस कंडीशन हो जाती है। तो ये चार टर्म आपको और समझ में आना चाहिए कि होमोथैलिक मींस कि जहां पर मेल फीमेल नहीं है वहां पर कोई भी सेल गैमेट्स बनाता है, और गैमेट्स किसी भी सेल के हो
वो उसी थैलस से बनते हैं तो आपस में फ्यूज कर जाते हैं, कभी कभी एक ही सेल में बनने वाले गैमेट्स भी आपस में फ्यूज हो जाते हैं, और कभी कभी एक सेल के, मान लीजिए एक एक सेल है जिसने डिवाइड करके ये दो गैमेट्स बनाए, ये दो गैमेट्स ही आपस में फ्यूज कर गए, तो ये सेल क्या कहलाएगी, यानी ये थैलस क्या कहलाएगा, होमोथैलस। और अगर ये दो गैमेट्स किसी दो प्रकार के थैलस से बन के आ रहे हैं तो फिर फ्यूज कर रहे हैं, तो ये दोनों थैलस आपस में प्लस और माइनस स्ट्रेन होंगे, और इस कंडीशन को हम हेट्रोथैलिक कंडीशन बोलेंगे। तो यहां एक चीज और ध्यान में रखने की है कि जो आइसोगैमस है, एनाइसोगैमस है या उओगैमस है, जो टाइप ऑफ है, वो जो है जरूरी नहीं है कि प्रिमिटिव एल्गी में सिर्फ आइसो ही पाया जाता हो, फिर उससे थोड़ी सी एडवांस हुई तो उसमें एनाइसो पाया जाता हो, और उससे एडवांस हो गए, जो फाइनली एडवांस हो गए उसमें वो गैमस पाया जाता हो, ऐसा नहीं है। आप कभी कभी एक ही स्पीशीज में तीनों चीज देख सकते हैं, एक ही में तीनों चीज देख सकते हैं, जैसे क्लेमाइडोमोनस है, आइसोगैमी भी है और एनाइसोगैमी भी है। इसी प्रकार एक्टोकार्पस में आइसोगैमी भी है और एनाइसोगैमी भी है। जैसे एक्टोकार्पस ग्लोबीफर बिल्कुल स्ट्रिक्टली आइसोगैमस होता है, एक्टोकार्पस सिलिकुलोसिस फिजियोलॉजिकली एनाइसोगैमस होता है, और एक्टोकार्पस सिकंडस स्ट्रिक्टली एन आइसोगैमस होता है। तो आइसोगैमस वो कंडीशन है वेयर द फ्यूजिंग गैमेट्स आर ऑफ सेम साइज एंड शेप एंड दे बिहेव फिजियोलॉजिकली सेम, देयर बिहेवियर इज फिजियोलॉजिकली सेम। दूसरा जो टाइप ऑफ सेक्सुअल प्रोडक्शन है वो है या इसे कभी कभी हेट्रोगैमस भी बोलते हैं। एनाइसोगैमस दो प्रकार का होता है, एक जिसे हम फिजियोलॉजिकल एनाइसोगैमी बोलते हैं, दूसरा है मॉर्फोलॉजिकल एनाइसोगैमी बोलते हैं। फिजियोलॉजिकल एनाइसोगैमी में क्या होता है, जैसे कि एक ये गैमीट है, ये ज्यादा एक्टिव है, और ये एक गैमीट है ये कम एक्टिव है। अभी मैंने आपको बताया था एक्टोकार्पस सिलिकुलोसिस में, तो यहां पर क्या होगा कि एक जो बहुत ज्यादा एक्टिव है और एक जो स्लगिश बिहेवियर शो कर रहा है उसमें एक डिफरेंस आप देख सकते हैं, देयर इज एन एपरेंट डिफरेंस बिटवीन टू गैमेट्स। तो वो कैसा डिफरेंस है, उनकी एक्टिविटी में है, इसलिए फिजियोलॉजिकल एनाइसोगैमी होगी। मॉर्फोलॉजिकल एनाइसोगैमी में क्या है कि कुछ गैमेट्स संख्या में ज्यादा हो जाते हैं, यानी ज्यादा बनते हैं और छोटे होते हैं, और कुछ गैमेट्स
संख्या में कम बनते हैं और बड़े होते हैं। तो ये डिफरेंस है इनमें कि एक छोटे छोटे हैं, एक बड़े हैं। जैसा कि एक्टोकार्पस सिकंडस में है, अब जैसे फिजियोलॉजिकल है इसमें क्लेमाटोकोनस में भी आपको ब्राउन आई स्पीशीज है उसमें मिलता है, आइसोगैमी राइनहार्ट डाटाई में मिलता है। तो एक ही उसमें मिल सकता है स्पीशीज में, एक ही ग्रुप में भी मिलता है। जैसे अगर आप वॉल्वो किल्स देखें तो गोनियम वॉल्वॉक्स, ये गोनियम आइसोगैमस है, यूडोराइना एनाइसोगैमस है और वॉल्वॉक्स उगैमस है। तो इसका कोई ऐसा सेट रूल नहीं है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक इवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट है और ये हमेशा प्रिमिटिव और एडवांस को डिफरेंशिएट करेगा, ऐसा नहीं है। तो मतलब इन टर्म्स ऑफ एडवांस एंड प्रिमिटिव एल्गी ग्रुप में, लेकिन ये हम मान सकते हैं कि एक ही ग्रुप में ये ड्यूरिंग इवोल्यूशन डेवलप होते हैं, यानी जो उस ग्रुप के प्रिमिटिव मेंबर होंगे वो आइसोगैमस होंगे और उसी ग्रुप के जो एडवांस मेंबर होंगे वो दूसरा तरीके का सेक्सुअल प्रोडक्शन शो करेंगे। तो मॉर्फोलॉजिकल हो गई, तीसरा है जो एनाइसोगैमी का ही एक पार्ट है लेकिन उसे हम अलग लिखते हैं, वो गैमस। यहां पर वो स्ट्रक्चर जो शब्द लिया गया है वो किससे लिया गया है, वो गोनियम। वो गोनियम में भी वो जो लिया गया है वो किससे लिया गया है, ओवम या एग से। यानी ये वो सेक्सुअल प्रोडक्शन है जो मोस्ट एडवांस है, जहां पर फीमेल सेक्स ऑर्गन डिस्टिंक्टली डिफरेंट है एंड इट कैन बी नेम्ड एज गोनियम। डिफरेंट किस मामले में है, दिखने में मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट है। तो जहां पर वो गैमस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन होता है वहां पर हम दो शब्द इस्तेमाल करेंगे हमेशा, मेल सेक्स ऑर्गन को बोलेंगे एंथ्रीडियम एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन को बोलेंगे हम ओगोनियम। यहां पर मोनोइशियस कंडीशन और डायोशियस कंडीशन दोनों मिलेगी, मोनोशियस कंडीशन मींस सेम थैलस इज प्रोड्यूसिंग ओगोनियम एज वेल एज एंथ्रीडियम एंड डायोशियस कंडीशन मीन द सेम थैलस इज नॉट प्रोड्यूसिंग बोथ काइंड ऑफ गैमेट्स, अलग अलग है। जैसे हमारे यहां ओडोगोनियम में उडोगोनियम में मोनोइशियस स्पीशीज में मिलती है और डायोशियस स्पीशीज में मिलती है, और वहां पर थैलस भी हेट्रोथैलिक टाइप का होता है, यानी जरूरी नहीं है कि एक थैलस जो मेल बना रहा हो और एक थैलस जो फीमेल बना रहा हो वो देखने में भी डिफरेंट हो, ऐसा नहीं। लेकिन उडोगोनियम में ये भी कर दिया है कि बाद में जैसे और एडवांस फैमिली में एल्गी में जाएंगे तो हमें पता लग जाएगा कि ये मेल थैलस है कि ये फीमेल थैलस है, क्योंकि उस थैलस में भी डिफरेंस आ गया है। तो यहां पर ओडोगोनियम में हम क्या बोलते हैं, जहां पर कोई डिफरेंस नहीं है उन्हें मैक्रंडरस स्पीशीज बोलते हैं, और जहां पर मेल एक बहुत छोटा सा फिलामेंट होता है इस प्रकार से
जिसमें ऊपर एक या दो सेल होते हैं जो एंथ्रीडियम कहलाते हैं। तो ये मेल फिलामेंट है, ये एक नेनेंड्रस फिलामेंट स्पीशीज हो गई, यानी उडोगोनियम में दो स्पीशीज होगी, एक मैक्रेंडस स्पीशीज और एक नेनेंड्रस स्पीशीज, यानी उओगैमस रिप्रोडक्शन है, लेकिन उडोगोनियम में उओगैमस होने के बावजूद दो सेम टाइप ऑफ थैलस अलग अलग सेक्स ऑर्गन बना रहे हैं और दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ थैलस अलग अलग सेक्स ऑर्गन बना रहे हैं। तो मेजॉरिटी मतलब मेन पॉइंट ये है कि देयर मस्ट बी एन एंथ्रीडियम एंड देयर मस्ट बी एन उओगोनियम। वो भले किसी भी सेक्स ऑर्गन किसी भी थैलस पे कैसे भी बने, लेकिन ये दो सेक्स ऑर्गन का होना जरूरी है उओगैमस। जब ये मेल को हम एंथ्रोजॉइड बोलेंगे जो गैमीट है, और फीमेल को हम एग या ओवम बोलेंगे। जब इन दोनों में सिंगैमी होगी तो उस सिंगैमी को अब हम क्या बोलने लगेंगे, फर्टिलाइजेशन। ये सिंगैमी इस उओगोनियम को किस चीज में डेवलप कर देगी, ऊ स्पोर, क्योंकि ये पहले एग था लेकिन इस पर फर्टिलाइजेशन हो गया तो इसके चारों तरफ एक थिक वॉल बन गई जिसने इसको एक पेरिनेटिंग स्ट्रक्चर के रूप में, मोस्टली पेरिनेटिंग स्ट्रक्चर के रूप में बदल दिया। तो जाइगोट तो है लेकिन ये ऊ स्पोर है, क्योंकि स्पोर की तरह बिहेव करेगा, यानी अब ये कुछ दिन तक डिवाइड नहीं भी कर सकता है, या अगर अनफेवरेबल सीजन है तो उस अनफेवरेबल सीजन को ये पार करेगा इसी तरीके से। तो ऊ स्पोर है। तो उओगैमस रिप्रोडक्शन जो है ये हाईली एडवांस टाइप का रिप्रोडक्शन है, और फियोफाइसी में आइसोगैमी से लेके उओगैमी तक मिलती है, रोडोफाइसी में उओगैमी ही ज्यादातर मिलती है। वहां पर अच्छा ये भी देखना है कि जो एंथ्रोजॉयड है वो सारे के सारे मोटाइल होंगे, लेकिन मोटाइल किस में नहीं होंगे, रेड एल्गी में, जहां पर वो एक स्पिंडल शेप या राउंडेड स्ट्रक्चर बनाते हैं इस प्रकार से, और नॉन मोटाइल होते हैं, पैसिवली फ्लोट करते हैं, जिसे हम स्पर्मेशियम बोलते हैं। तो ये रेड एल्गी में एंथ्रोजॉयड्स आर नोन एज स्पर्मेशियम बिकॉज दे आर नॉट मोटाइल, और वहां पे जो फीमेल स्ट्रक्चर है जो उओगोनियम है वो भी एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है, एक लंबी नेक होती है उसमें, और एक बेसल फ्लास्क शेप्ड स्ट्रक्चर होता है। इस नेक को ट्राइकोगाइन बोलते हैं, और यहां पर एक न्यूक्लियस होता है, इसे हम उओगोनियम बोलते हैं। ये स्पर्मेशियम इससे जाके अटैच हो जाता है और इसका न्यूक्लियस यहां इस नेक से होता हुआ नीचे उओगोनियम तक पहुंच जाता है और फर्टिलाइजेशन हो जाता है। तो रेड एल्गी उओगैमस है, फियोफाइसी का जो मेंबर्स हैं, जो एडवांस मेंबर हैं, जैसे लैमिनेरियल्स या फ्यूकेल्स, ये क्या करते हैं, ये सारे के सारे उओगैमस। तो ये तीन प्रकार के सेक्सुअल प्रोडक्शन का तरीका है पूरी एल्गी में। जब आप आगे पढ़ेंगे, डिफरेंट लाइफ साइकिल्स पढ़ेंगे, तो आपको और क्लियर हो जाएगा, या इट मींस कि यू हैव मोर एग्जांपल्स टू बी डिस्कस्ड। तो हमने यहाँ सारे एग्जांपल इसे नहीं लिए कि एग्जांपल बहुत ले सकते हैं। अब देखिए जैसे कैरा का एग्जांपल ले सकते हैं कि इसमें बहुत ही कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ सेक्स ऑर्गन्स बनते हैं, जिन्हें हम मेल फीमेल एंथ्रीडियम या
वो गोनियम के बजाय वो गोनियम को न्यूक्यूल और एंथ्रीडियम वाले स्ट्रक्चर को ग्लोब्यूल बोलते हैं। तो ये तो जब आप कैरा का पढ़ेंगे तब आपको खुद ही मालूम पड़ जाएगा, उसे यहां बताने की कोई जरूरत नहीं है। यहां तो सिंपली हम रिस्ट्रिक्ट किस पे कर रहे हैं कि टाइप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद जो दूसरा पॉइंट है वो क्या है कि अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इन एल्गी। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बताया था हमने आपको कि जब प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म होते हैं तो उसमें जो कंटेंट ऑफ जीनोम है, जिस सेट ऑफ क्रोमोसोम है, वो एक ही कॉपी होती है क्रोमोसोम की। इट मीन्स देयर विल बी नो होमोलोगस क्रोमोसोम, यानी पेयर नहीं होगा। ये पेयर कब हो सकता है? जब इसी तरीके के दो सेल आपस में फ्यूज कर जाए। जब आपस में फ्यूज कर जाएंगे और एक ही सेल बनाएंगे तो उसमें इसका भी क्रोमोसोम होगा और इसका भी क्रोमोसोम होगा, और दोनों चूंकि होमोलोगस है यानी एक ही जैसे हैं, तो वो आपस में पेयरिंग भी कर ले जब जरूरत पड़ेगी। तो वैसे पेयरिंग केवल पास पास आने के लिए पेयरिंग की कोई जरूरत नहीं होती। ये 2N फर्दर या तो डेवलप कर जाए किसी थैलस में और उस थैलस में कोई स्पोरेंजियम बने जिसमें जाकर के मियोसिस हो, तो ये थैलस भी 2N है, ये स्पोरेंजियम भी 2N है, लेकिन इसके अंदर जब मियोसिस हो रही है, रिडक्शन डिवीजन बन रहा है, तो ये स्पोरेंजियम हमेशा क्या बनाता है? स्पोर्स। ध्यान रखिएगा, स्पोरेंजियम हमेशा स्पोर्स ही बनाएगा, गैमिटेंजियम ही गैमेट्स बनाता है। और दूसरा नाम इसका क्या है? स्पोरोफाइट। तो स्पोरोफाइट हमेशा स्पोर बनाएगा, लेकिन स्पोर हमेशा गैमिटोफाइट बनाएगा। ये ध्यान रखिएगा कि स्पोर इज द फर्स्ट सेल ऑफ गैमिटोफाइट, यानी स्पोर हमेशा हैप्लॉयड होते हैं, अगर वो सेक्सुअल स्पोर है तो। वैसे ये सेक्सुअल वाले नहीं, अगर वो मियोसिस से बन रहे हैं तो हैप्लॉयड ही होंगे। तो स्पोर क्या है? इस हैप्लॉयड जनरेशन का पहला सेल है, यही जब जर्मिनेट करेगा देन इट ऑलवेज गिव्स राइज टू गैमिटोफाइट, और चूंकि गैमिटोफाइट है इसलिए फ्यूज करने वाले सेल्स क्या बनेंगे? गैमिट्स। ठीक है, तो स्पोरोफाइट का पहला सेल क्या होगा? जाइगोट। और गैमिटोफाइट का पहला सेल क्या होगा? स्पोर। लेकिन इस कड़ी में हमने ये देखा कि हो क्या रहा है, एन के बाद 2N आ रहा है, उसके बाद मियोसिस होके फिर एन बन रहा है, फिर सिंगेमी होके फिर 2N बन रहा है, फिर मियोसिस होके फिर एन बन रहा है। तो एक जनरेशन एक को छोड़ करके उसके बाद आ रही है, यानी दे आर ऑल्टरनेटिंग ईच अदर। तो ये घटना तो होती रहती है, इसके बगैर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और लाइफ साइकिल कंप्लीट होती ही नहीं, यानी दो जनरेशन तो होंगी ही होंगी, ये भी होगी और ये भी होगी। अब पॉइंट क्या है यहां पर कि ये जो बन रहा है ये 2N के बाद तुरंत बन रहा है या ये अपना कोई एक शरीर बना दे रहा है, वेजिटेटिव स्ट्रक्चर, और ये भी तुरंत ही मियोसिस कर ले रहा है यानी रिडक्शन डिवीजन,
या ये भी अपना एक शरीर बना रहा है। तो ये जो शरीर बना रहा है जिसे हम क्या बोल रहे हैं, थैलस। अब थैलस दो प्रकार के हो गए, एक हैप्लॉयड थैलस हो गया और एक डिप्लॉयड थैलस हो गया, हैप्लॉयड एंड डिप्लॉयड। अब चूंकि ये थैलस बन रहा है तो थैलस हो सकता है बिल्कुल एक जैसा हो, यानी ये दोनों थैलस देखने में एक जैसे, और हो सकता है एक ही थैलस बन रहा हो और दूसरा थैलस ना बन रहा हो, यानी केवल हैप्लॉयड थैलस बन रहा हो तो डिप्लॉयड ना हो, या केवल डिप्लॉयड बन रहा हो तो हैप्लॉयड ना हो। इसका मतलब N2N इसमें कमी नहीं है, थैलस में कमी है, यानी अब हमें उसकी लाइफ साइकिल में एक ही प्रकार का थैलस दिखाई दे रहा है, एक ही प्रकार का थैलस दिखाई दे रहा है। और अगर दो प्रकार का थैलस दिखाई दे रहा है तो उसमें दो कंडीशन हो सकती है कि वो देखने में कैसे हैं, या तो मॉर्फोलॉजिकली सेम है, यानी आइसो यानी सेम है और मॉर्फिक, तो आइसोमॉर्फिक, या वो दोनों थैलस एक दूसरे से सेम नहीं है, हेट्रोमॉर्फिक, या उनमें एक ही थैलस बन रहा है। तो इस बेसिस पर अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन भी कई प्रकार के हो सकते हैं, नामकरण है, लेकिन उन नामकरण से हमें यह नहीं समझना चाहिए कि N और 2N की जो साइकिल है अल्टरनेटिंग साइकिल वो नहीं होगी, ऐसा नहीं। तो इसलिए पहला है, जैसे मान लीजिए हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, दूसरा है डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, तीसरा है हैप्लो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। तो यहां अभी चौथा पांचवा नहीं लिखूंगा, यहां क्या है, हैप्लॉन्टिक मींस जो थैलस केवल एक ही थैलस दिख रहा है, वो थैलस क्या है, हैप्लॉयड है। यहां डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल्स का मींस एक ही थैलस दिख रहा है लेकिन जो दिखने वाला थैलस है वो डिप्लॉयड है, यहां हैप्लॉयड भी दिख रहा है और डिप्लॉयड भी दिख रहा है। तो यहां पर दोनों प्रकार के थैलस होंगे, हैप्लो भी और डिप्लो भी, जबकि इसमें भी एक एन होगा जो 2N में बनेगा, वो 2N फिर से N में बनेगा। यानी ये हैप्लॉन्टिक का मतलब ये नहीं है कि केवल हैप्लॉयड थैलस अगर दिख रहा है तो N2N और N वाली साइकिल में कोई गड़बड़ होगी, वहां नहीं गड़बड़। लेकिन यहां हैप्लॉयड का मतलब क्या है कि N एक थैलस बना रहा है लेकिन 2N जैसे ही बन रहा है वो तुरंत रिडक्शन डिवीजन करके चार प्रकार के मियोस्पोर्स बना दे रहा है। यानी यहां पर जो 2N की लाइफ जनरेशन है वो रिस्ट्रिक्ट हो गई, किस पर रिस्ट्रिक्ट हो गई, जाइगोट में, वो कोई थैलस नहीं बना पाई, तो इसलिए पूरी की पूरी लाइफ साइकिल केवल जाइगोट में है। तो हम क्या, अगर बनाना भी चाहे तो क्या कर सकते हैं कि मान लीजिए ये गैमेटोफाइट है, इसने दो गैमेट्स बनाए प्लस और माइनस, ये दोनों गैमेट्स फ्यूज हुए और एक जाइगोट बनाया, जाइगोट तुरंत रिडक्शन डिवीजन किया और इसने चार मियोस्पोर्स बनाए, ये जब जर्मिनेट करेंगे तो ये अलग अलग टाइप के या उसी डिफरेंट टाइप्स के गैमेटोफाइट्स बना देंगे। तो यहां क्या है कि 2N सिर्फ यही रिस्ट्रिक्टेड है, तो ये हैप्लॉन्टिक हो गई।
इसी तरीके से क्या हुआ कि जब डिप्लॉयड लाइफ साइकिल में जब डिप्लॉयड बनेगा तो क्या होगा कि ये जो 2N है अब गैमेटोफाइट थैलस ना बना करके ये थैलस बनाएगा, ये यहां थैलस बनाएगा और उस थैलस पर स्पोरेंजिया बनेंगे, उस स्पोरेंजियम में रिडक्शन डिवीजन होगा और चार प्रकार के डॉटर स्पोर्स बन जाएंगे और वो चारों के चारों ग्रो करके बजाय गैमेटोफाइट बनाने के अलग अलग गैमेट्स बना लेंगे। समझ लीजिएगा ये थैलस है, ये जो चार बने हैं ये अब गैमेटोफाइट थैलस बनाने के बजाय ये गैमेट्स की तरह बिहेव करेंगे और कोई भी दो आपस में मिलकर के या कोई दो डिफरेंट स्ट्रेन के आपस में मिलकर के फिर से एक डिप्लॉयड जायगोट बनाएंगे जो फिर से ग्रो करके एक अपना थैलस बना लेगा। तो हैप्लॉन्टिक में तो बहुत सारे हैं, जितने भी प्रिमिटिव एल्गी हैं सारे के सारे हैप्लॉन्टिक होते हैं, लेकिन यहां डिप्लॉन्टिक में अगर आप एग्जाम्पल लिखना चाहें तो क्या है क्लेडो क्लेडोफोरा के बजाय कैरा लिख लीजिए, ये ज्यादा आसान है। कैरा स्पीशीज जो है वो डिप्लॉन्टिक है, बहुत सारे जो डायटम्स हैं वो सारे के सारे डिप्लॉन्टिक है, क्योंकि डायटम्स ध्यान रखिएगा डायटम्स का जो थैलस है वो डिप्लॉयड होता है। और हैप्लो डिप्लोबायोटिक्स में यानी यहां पर क्लेडोफोरा और अल्वा, और अगर उसमें चले जाइए डिक्टियोटा रेड ब्राउन एल्गी में, यहां पर अगर हैप्लो डिप्लोबायोटिक है तो यानी ये थैलस भी बना रहा है और ये भी थैलस बना रहा है, गैमेटोफाइट भी। तो दो एक जैसे पेड़ या अलग अलग पेड़ बन रहे हैं, जरूरी नहीं है, देखिए यहां पे आइसोमार्फिक भी हो सकता है और हेट्रोमार्फिक भी बन हो सकता है। तो जो क्लेडोफोरा और अल्वा है और डिक्टियोटा है ये सारे के सारे जो है आइसोमार्फिक है, आइसोमार्फिक। और जब हम लैमिनेरिया में जाएंगे, लैमिनेरियल्स में, तो वो हेट्रोमार्फिक है, क्योंकि लैमिनेरिया में क्या है कि जो बहुत बड़ा सा थैलस होता है वो स्पोरोफाइट होता है और जो छोटा सा कुछ फिलामेंट्स का जरा से सेल्स का बना होता है वो गैमेटोफाइट होता है। इसी में एक कंडीशन डिप्लॉन्टिक में आती है कि जैसे फ्यूकस है, फ्यूकस में केवल डिप्लॉन्टिक है और वहां पे सिर्फ गैमेट्स बनते हैं वो फ्यूज करके और फिर से एक डिप्लॉयड थैलस बनाते हैं। अब यहां पर जो वेरिएशन है जो अब हमने चौथा नहीं लिखा था वो ये है कि हैप्लो डिप्लो डिप्लो बायोन्टिक, इसी प्रकार हैप्लो हैप्लो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। यहां क्या है कि एक हैप्लॉयड जनरेशन डिप्लॉयड जनरेशन को जन्म देती है, वो डिप्लॉयड जनरेशन एक तीसरी डिप्लॉयड जनरेशन को जन्म देती है जो फिर से वापस हैप्लॉयड बनाता है। यहां पर एक हैप्लॉयड दूसरे जनरेशन को जो डिप्लॉयड है उसे जन्म देती है लेकिन वो तुरंत ही हैप्लॉयड बना लेता है और वो हैप्लॉयड फिर से आके, तो अगर हम देखें मतलब यहां पर, तो यहां डिप्लॉयड बहुत कम देर के लिए रहता है। तो पहले ये पांच वाला समझ लीजिए, ये इसका एग्जाम्पल है
रेड एल्गी में बैट्रकोस्पर्मम। इन दोनों को हम क्या बोलेंगे, ट्राइफेजिक लाइफ साइकिल, क्योंकि दो फेज के बजाय यानी स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट, स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट के बजाय इसमें गैमेटोफाइट फिर स्पोरोफाइट फिर स्पोरोफाइट फिर गैमेटोफाइट, या गैमेटोफाइट फिर स्पोरोफाइट और फिर गैमेटोफाइट तुरंत ही आ जाए और जो स्पोरोफाइट है वो कोई थैलस ना बनाए, तो ये बेटर कोर्स फॉर। तो इसमें क्या होता है कि एक गैमेटोफाइट है जो फ्यूज करके एक स्ट्रक्चर बनाता है कार्पोस्पोरोफाइट नाम का, जो बजाय 2n स्पोर देने के वो n स्पोर बना लेता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, गैमेटोफाइट। इस वाले को क्या बोलेंगे, कार्पो स्पोरोफाइट। और ये जो बनाता है ये इंस्टेड ऑफ डिप्लॉयड बनाने के ये एक चैन ट्रेंसिया स्टेज बनाता है, ये एक फिलामेंटस स्ट्रक्चर है छोटा सा जो मोनोस्पोर्स के द्वारा डिप्लॉयड अपने को डुप्लीकेट करेगा और बाद में इसमें से एक बड़ा सा बाद में फिर वो एक बड़ा गैमेटोफाइट बना लेगा। तो ये जो ट्राइफेजिक है इसमें एक डिप्लॉयड है, हैप्लॉयड है, एक डिप्लॉयड है, लेकिन दूसरा डिप्लॉयड जो यहां पर डिप्लो है वो नहीं है, उसकी जगह यहां फिर से एक हैप्लॉयड फेज है। तो ये बेट्रकोस्पर्मम की लाइफ साइकिल इस वाले से डिफरेंट है जो कि एक जनरल रूल है रेड एल्गी का। उस वाले में क्या बनेगा, जो चौथे नंबर का है वो क्या है कि गैमेटोफाइट है वो क्या बनाएंगे, कार्पोस्पोरोफाइट। ये क्या बनाएगा, एक डिप्लॉयड स्पोर बनाएगा जिसे हम कार्पोस्पोर बोलेंगे, क्योंकि कार्पोस्पोरोफाइट है ये डिप्लॉयड, ये भी एक थैलस है और ये एक छोटा सा डिपेंडेंट थैलस है जिसको आपने पॉलीसाइफोनिया में देखा होगा कि एक अर्न स्टेप स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम सिस्टोकार्प बोलते हैं। हालांकि ये सिस्टोकार्प कार्पोस्पोरोफाइट नहीं है, लेकिन ये जो सिस्टोकार्प है इसी के अंदर कार्पोस्पोरोफाइट बनता है, फिर ये 2n कार्पोस्पोर बनाता है जो कि एक और स्पोरोफाइट बनाएगा जिसको हम टेट्रा स्पोरोफाइट बना बोलते हैं, वो टेट्रा स्पोरोफाइट स्पोर बना के फिर से गैमेटोफाइट बनाएगा। तो ये एक टिपिकल ट्राइफेजिक लाइफ साइकिल का उदाहरण है। टेट्रा स्पोर आपने पॉलीसाइफोनिया में इस तरीके से देखे होंगे कि ये स्पोर बनते हैं, और स्पोर कहां बनते हैं, वो जो साइफन वाला स्ट्रक्चर है उसमें इस तरीके से बनते हैं, और एक एक टायर में एक ही बनता है। तो ये जो टेट्रास्पोर है ये वापस इस गैमेटोफाइट को बनाते हैं, और ये जो कार्पोस्पोर है वो स्पर्मेशिया की तरीके से ये स्पिंडल शेप या ओवल शेप होता है और नॉन मोटाइल होता है, नॉन मोटाइल तो ये भी होता है, और ये इस तरीके से अपने एक कार्पोस्पोरेंजियम के अंदर बनता है जो कि एक बेसल सेल से इस तरीके से बाहर निकली रहती। तो उतना डिटेल इसे नहीं पढ़ा रहे कि वो तो जब आप पॉलीसाइफोनिया की लाइफ साइकिल पढ़ेंगे तो आप समझ लेंगे, लेकिन यहां क्या है कि जो टाइप्स ऑफ अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन वो पांच तरीके का है, जिसमें कि नंबर एक कि केवल हैप्लॉयड फेज हो, नंबर दो केवल डिप्लॉयड फेज हो, नंबर तीन उसमें हैप्लॉयड फेज भी दिखाई देती हो आंख से या माइक्रोस्कोप से और डिप्लॉयड फेज भी दिखाई देती हो, और नंबर चार और पांच है जिसमें कि तीन फेज हो जाते हैं, यानी या तो डिप्लॉयड मतलब डिप्लॉयड के दो फेज हो जाते हैं और एक हैप्लॉयड का फेज रहता है, या बेट्रकोस्पर्मम में हैप्लॉयड के दो फेज हो जाते हैं और एक डिप्लॉयड फेज बहुत ही रिड्यूस्ड
हो जाता है. सो दिस इज ऑल अबाउट द जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ एनगी है. इसमें मैंने ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं लिया है, इसमें मैंने इवोल्यूशन ऑफ सेक्स इन एनगी नहीं लिया है, क्योंकि वो एक क्लोरोफाइसी का मैटर है, जिसमें हम यूलोथ्रिक्स का उदाहरण लेते हैं, वो इसलिए मैंने इसमें से छोड़ दिया है. इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस है, वो एक अलग पार्ट है, वो एल्गी का एक पार्ट नहीं है. दूसरे, हम एल्गी में पाए जाने वाले डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट को भी डिस्क्राइब कर सकते थे, लेकिन वो अलग अलग, उसका कोई ऐसा नहीं आता है कि आप पूरी एल्गी का एक साथ पढ़ें. अगर आप जितने ग्रुप पढ़ेंगे उसमें आपको अलग अलग तरीके के प्लास्टिक्स टाइप मिल जाए. तो ये आज हमारा जो चार हमने आपको लेक्चर दिए हैं, ये कंप्लीट करता है इंट्रोडक्शन को. अब क्लासिफिकेशन बचा है, जो हम कल आपको बताएंगे. थैंक यू.